हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर चुका है और उसका जो आंसर शीट नहीं दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आंसर शीट इसमें मिल जाए और आप 1 से लेकर 60 नंबर तक क्वेश्चन देखें तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ऑफिशियल मॉडल पेपर को आज हम लोग कवर करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो दोस्तों, आपको सही जैसे पता होगा पॉलिटिकल साइंस का है और आपको टाइम भी पता होगा कि कितना मिनट का टाइम होता है, यानी 3 घंटा 15 मिनट, और आपका मार्क्स जो होगा फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। और दोस्तों, निर्देश जो दिया हुआ है वो आप अपने से कवर कर सकते हैं कि क्या क्या जो है निर्देश दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि सभी को मिल जाए वीडियो और आपके फ्रेंड भी आपका इसका फ़ायदा ले पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है आपका, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी नंबर, यानी 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 2 नंबर का, यानी सी नंबर, अनुच्छेद 368 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का, ए नंबर, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। 4 नंबर है, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर, यानी डायसी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, यानी 1953 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 6 नंबर का, सी नंबर, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर मैं फटाफट बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके, यानी रोक रोक कर उसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आहिस्ते बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। तो क्या है, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर E.M.S. नंबूदरीपाद। तो इसका राइट आंसर डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे। 8 नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, यानी 8 नंबर का, सी नंबर, यानी 1964 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का, बी नंबर, यानी 2014 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का, बी नंबर, यानी 1972 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, इंदिरा गांधी ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आज के पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, 13 नंबर है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 13 नंबर का, सी नंबर, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से, दोस्तों मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पढ़ चुके हैं आप लोग और आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों का टाइम को ध्यान देते हुए फटाफट जो है कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। आज हम लोग 60 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ। तो इसका राइट आंसर हम लोग नीचे स्किप करके देख लेते हैं तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से 14 नंबर है। तो क्या है, 14 नंबर का राइट आंसर, बी नंबर, यानी 2005 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का, ए नंबर, यानी सोवियत संघ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का, डी नंबर, यानी बेलग्रेड में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 17 नंबर का, थोड़ा सा स्किप करके हम इसका जवाब देख लेते हैं।
तो डी नंबर यानी 1991 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का सी नंबर यानी 1993 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 19 नंबर है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी डी नंबर, काठमांडू में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का ए नंबर यानी काशीराम इसके संस्थापक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का बी नंबर यानी द हेग में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी ए नंबर यानी 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 23 नंबर का बी नंबर यानी 1991 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का ए नंबर यानी 1952 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 25 नंबर क्वेश्चन, क्या ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का सी नंबर यानी 1966 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहा हूँ आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 26 नंबर का सी नंबर यानी प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी सरदार पटेल गृह मंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 28 नंबर का सी नंबर यानी इमरान खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का सी नंबर यानी पश्चिम बंगाल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 30 नंबर क्वेश्चन, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का ए नंबर यानी 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का ए नंबर यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, 32 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 33 नंबर का ए नंबर यानी 12 सदस्यों की संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो यानी थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का सी नंबर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 35 नंबर का ए नंबर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से स्क्रीन पे आ चुके हैं देख पा रहे आप लोग, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का ए नंबर यानी संवैधानिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 37 नंबर का ए नंबर यानी प्रधानमंत्री होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 38 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो क्या हुआ था कि 29 था, फिर अभी जो है 28 आ चुका है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से क्वेश्चन और जवाब हम लोग नीचे में देखेंगे क्या है, 39 नंबर है, पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का यानी थोड़ा सा हम लोग स्किप करके देख लेते हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके देख पा रहे होंगे आप लोग, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी बहुदलीय व्यवस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का डी नंबर यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का डी नंबर यानी
1985 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का डी नंबर यानी गुजरात का अंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से स्क्रीन पर आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का ए नंबर यानी 6 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी भारत का संविधान सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का बी नंबर यानी 74वां संशोधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का बी नंबर यानी यू थाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं देख पा रहे होंगे आप लोग। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 48 नंबर का ए नंबर यानी सरपंच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरी तरह से आ चुकी है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का डी नंबर यानी 1948 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से क्या है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर 51 नंबर का यानी जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 52 नंबर का यानी डी 8 देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके 53 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे पूरी तरीके से, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945 ईस्वी में बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है जनता पार्टी का शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 55 नंबर का डी नंबर यानी मोरारजी देसाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है 56 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 56 नंबर का सी नंबर यानी ए ओ ह्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरह से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 57 नंबर का डी नंबर यानी स्क्रीन पे थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं तो आ चुके हैं 73वां संशोधन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर का सी नंबर यानी यूरोपियन संघ की मुद्रा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 59 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी देश कौन सा नहीं है, तो हांगकांग जो है ये देश नहीं है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यानी अंतिम क्वेश्चन है तो अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरी तरीके से, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है तो किसका यानी कौन देश का यहाँ पर होगा शायद? तो आपके चार ऑप्शन है तो देखिए, चार ऑप्शन में राइट सी नंबर राइट आंसर यानी भारत का है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो जो अच्छा लगा तो लाइक करना, और इस तरह के वीडियो अगर पाना चाहते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप कमेंट करेंगे कि इस सब्जेक्ट का वीडियो लाइए आने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।